लगता है उत्तर प्रदेश में एक नया ट्रेंड चल गया है। जो व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में है यानी पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है उस व्यक्ति को गोली मार दिया जाता है। और अब खबर सामने आ रही है एक व्यक्ति को कोर्ट परिसर में ही गोली मार दिया गया। ये कहां की घटना है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ऐसी है सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। मैं आपको जी न्यूज की एक खबर दिखा रहा हूं। लखनऊ की कोर्ट में शूट आउट, मुख्तार के करीबी गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आगे लिखता है जी न्यूज हिंदी, लखनऊ के सेशन कोर्ट में गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गैंगस्टर का नाम संजीव जीवा बताया जा रहा है जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस शूट आउट में एक बच्ची को भी गोली लगी है जिसे बलरामपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि शूटर वकील के कपड़े में कोर्ट में आए थे और कोर्ट के अंदर उन्होंने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोल्डी हत्याकांड में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा हुई थी। संजीव जीवा कृष्णानंद हत्याकांड और ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्या मामले में भी आरोपी था। मुख्तार अंसारी गैंग का बदमाश जीवा लखनऊ की जेल में बंद था। वो संजीव जीवा पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश था। जानकारी के मुताबिक संजीव जीवा को 5 गोली लगी है। हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है। देखिए कि जो व्यक्ति कोर्ट में है उस व्यक्ति को गोली मार दिया जा रहा है। आपको याद होगा अतीक अहमद की किस तरीके से हत्या की गई। अतीक अहमद दोषी था, अतीक अहमद गैंगस्टर था, लेकिन जिस तरीके से गोली मारी गई वो गलत तरीका था, क्योंकि संविधान के हिसाब से वो तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत था। इसलिए गलत था कि हमारे देश में कोर्ट है, हमारे देश में कानून है। लेकिन जैसे ही गोली लगी है इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय लिख रहे हैं, राय दे रहे हैं। रणविजय सिंह ट्वीट करते हैं, यूपी राजधानी लखनऊ में कोर्ट के अंदर गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मार करके हत्या कर दी गई। हमलावर वकील बनकर के आए हुए थे। अतीक अहमद की जो हत्या की गई थी, जो हमलावर थे वे पत्रकार बनकर के आए थे। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, यूपी में फिर से एक बार सरेआम शूट आउट। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जीवा को मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। जीवा पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप था। इसके पहले सरेआम अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी गई थी। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, भाजपा राज के उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में गोली मारकर हत्या कर देना आम बात हो गई है। आज कुख्यात अपराधी संजीव जीवा को कोर्ट में सरेआम मार दिया गया। इससे पहले अतीक अहमद और उसके भाई को प्रयागराज में सरेआम मार दिया गया था। भाजपा कहती है कानून का राज है, ये है कानून का राज, बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीजेपी पर लगाया जा रहा है। मैं आपको एनआई का एक ट्वीट दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के आरोपी संजीव जीवा की लखनऊ सिविल कोर्ट में गोली मार करके हत्या कर दी गई है और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। और वहीं इसके बाद जो है कि एनआई का दूसरा ट्वीट आता है, अभी तक की सूचना के मुताबिक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है। घटना में घायल को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। आगे की जानकारी पता कर रहे हैं डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने ये बयान जारी किया है। अब आप सोच लीजिए किस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं। भारत समाचार ने ट्वीट किया है, कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन शुरू किया, बड़ी संख्या में वकील कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी वकील पुलिस सुरक्षा पर सवाल भी उठा रहे हैं। अब आप देख लीजिए ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। भारत समाचार का बड़ा ट्वीट आया है। भारत समाचार ने लिखा है, लखनऊ भारत समाचार के पास पुख्ता जानकारी है, कोर्ट रूम में गवाह कटघरे में हुई हत्या, यानी परिसर में नहीं बल्कि कोर्ट रूम में ही
हत्या कर दी गई है, जज सुनवाई कर रहे थे तभी हमला किया गया है। जीवा के साथ मौजूद पुलिस वाले भागे थे। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने हमलावर को पकड़ा। कोर्ट रूम में जहां गवाही चल रही थी वहीं पर हत्या हो गई है, यानी अदालत भी अब सेफ नहीं है। कोई आरोपी है, कोई दोषी है, उसे फैसला सुनाया जाना है। कोर्ट में जाता है तो माना जाता है कि वो व्यक्ति सुरक्षित है। तमाम बड़े बड़े अपराधी कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं, पुलिस के पास जाकर के सरेंडर किए हैं, लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट रूम में ही आरोपी सेफ नहीं है, वहां पर उसकी हत्या की जा रही है। जो पुलिसिया कार्रवाई है, जो पूरा शासन प्रशासन है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि आखिरकार जब पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति है, जब कोर्ट रूम में है, उसकी हत्या कैसे कर दी जाती है। क्या अब पुलिस की सिक्योरिटी में भी आदमी आरोपी सेफ नहीं है, बड़ा सवाल अब यही है। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी क्या राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा, लेकिन खबर यही है कि कोर्ट रूम में एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।